हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, क्या कहेंगे, चुनाव है यूपी में, कितनी तैयार हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी से ज़्यादा तैयारी है। बिना तैयारी के उन्होंने नोटबंदी कर दी, हाहाकार मचाया। हम बोल इसलिए नहीं रहे हैं, लोगों ने कहा कि अमर सिंह नोटबंदी के समर्थक हैं। हम नोटबंदी के नहीं, कालेधन की लड़ाई जो प्रधानमंत्री ने जारी की है उसके समर्थक हैं। लेकिन किसान जिसको 20 के पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसा अकाउंट में रहने पर भी ATM से पैसा नहीं निकल रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, इसके समर्थक हम नहीं हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा है, 50 दिन पूरे होने के बाद हम बोलेंगे। सरकार ने कहा कि हम इंतजाम किए, लेकिन चूक आप मानते हैं, कहाँ चूक हुई है? सबसे बड़ी चूक तो ये कि 2000 रुपया लाइन लगाइए, 2000 रुपया मिलेगा। आप नाव के यहाँ जाइएगा, दाढ़ी बनवाने का और बाल कटवाने का 2000 रुपया दीजिएगा, उसके पास खुदरा नहीं है। 2000 रुपया अगर काला धन के नए संकलन करता अगर संकलित करना चाहें तो जगह भी कम गिरेगा। और दक्षिण भारत से लेकर के बंगाल तक यहाँ पर खाली ATM जनता को मिल रहा है, और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनके घर पर नए नोटों की करोड़ों की गड्डियाँ पहुँच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब जनता देख रही है, उसके लिए तो उसका अपना पैसा जो खाते में है, खाता धारक, उसको अपना 2000 मिलने में भी बड़ी बड़ी यातना वेदना है। हम छोटे दल हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय दल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तैयारी, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह नोटबंदी के शुभक्रम से ज़्यादा अच्छा है उत्तर प्रदेश में। एक अंतिम सवाल सर ये है कि आप लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में टिकटों के लिए मतभेद होता दिख रहा है। व्यक्तित्व को लेकर के कहाँ मतभेद नहीं है। अडवाणी जी का एक व्यक्तित्व, मोदी जी का एक व्यक्तित्व है, नितिन गडकरी का एक व्यक्तित्व है, सुषमा जी का एक व्यक्तित्व है। तो मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, जितने मुंड होंगे उतनी मति होगी, उतनी भिन्नता होगी, यही तो लोकशाही है। कैमरा चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।